नमस्कार दोस्तों दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, आज जो सेफ्टी टंकी के अंदर है हम लोग, देखिए ये मिट्टी है तो 10 फीट गड्ढा में हम लोग हैं। तो जैसे हम सेफ्टी टंकी बनाते हैं, तो सेफ्टी टंकी कैसे बनाना है सबसे पहले देख लीजिए किस तरह से बनाते हैं। सेफ्टी टंकी जो बनाते हैं उसका जो दाढ़ा कैसे निकालते हैं, जो दाढ़ा कैसे होता है तब उसका लीकेज नहीं होगा और पानी बाहर नहीं निकलेगा। और पानी निकलने अगर मान ले तो दाढ़ा सही से नहीं कीजिएगा तो पानी निकलेगा बाहर तरफ और उसका गमकेगा। तो ऐसे दाढ़ा कीजिए जैसे सही से पूरा पैक हो जाए जार। और इसका दाढ़ा कैसे रखते हैं चलिए पूरा दिखाते हैं, और किस तरह से जुड़ाई करना है उसका पहले बताते हैं। दोस्तों ये सेफ्टी टंकी अलग तरीक़ा से जुड़ाई करते हैं और दाढ़ा भी अलग तरीक़ा से रखना चाहिए। तो देखिए चलिए हम जुड़ाई करके दिखाते हैं आपको, तो आप पूरा वीडियो देखिए पूरा समझ में आ जाएगा। और दोस्तों इस चैनल में कोई पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, उसमें क्या होता है हर एक तरह का जो नज़र वीडियो मिलने वाले हैं तो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम काम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से इस तरह से मसाला ले लीजिएगा, मसाला ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम 3 पॉइंट लगाएंगे, एक लिया था 3 पॉइंट इधर है ये सामने, पॉइंट इधर लगा हुआ तो ये वाला इधर घुमा के लगाएंगे। देखिए इसको यहाँ से हम 3 पॉइंट लगा दिए, दो को 3 पॉइंट लगा दिए और आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए आगे इस तरह से बढ़ा लेना है और इसको गैपिंग ज़्यादा रखिएगा, जैसे मसाला हमको पूरा बढ़िया से भरना चाहिए और इसको जान नहीं मिलना चाहिए। हाँ देखिए ये जो सेफ्टी टंकी का ईंट कैसे रहता है, देखिए ये पूरा झाव वाला ईंट है, पूरा हार्ड ईंट है, इसमें बहुत मजबूत ईंट है। देखिए इसको लगा दिए और यहाँ पर लगा देना है, हम इसको साउंड कर लेते हैं दोनों तरफ। दोस्तों देखिए सेफ्टी टंकी का जुड़ाई कीजिए तो अंदर तरफ मेरा फेस आना चाहिए, इसका मेरा प्लास्टर होगा, घरा पानी होगा, बाहर तरफ हमको कुछ करना नहीं, इसमें सिर्फ मिट्टी भर दीजिएगा। देखिए ये गड्ढा जो दिख रहा इसमें सिर्फ मिट्टी भर देंगे। अरे ऐसे जुड़ाई कीजिए, मेरा गैपिंग देखिए ज़्यादा होना चाहिए, एक अंगुली जैसा होना चाहिए, एक अंगुली से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको बांध देते हैं बढ़िया से। और इस तरह से इधर भी कर लेते हैं। देखिए इधर भी 3 पाव दो को ईंट लगा दिए और यहाँ से ऐसे जोड़ दीजिएगा। देखिए इसको लगाने के बाद साउंड करते हैं, ये सही ईंट नहीं है, टेढ़ा ईंट है, इसको अंदर तरफ लगा देते हैं। यहाँ से भी साउंड कर लेना, ये भी अंदर से कर लीजिएगा, ये भी दीवार और इधर वाला दीवार भी अंदर से कर लीजिएगा। देखिए दोनों दीवार अंदर से कर लिए और मेरा धागा को मिला लेना है, धागा को मिला लेना है सही से और इसको बांध दीजिएगा। दोस्तों देखिए इसको जोड़ाई कैसे करते हैं, और इसको जोड़ाई करने के बाद दाढ़ा ऐसे नहीं निकलते हैं। देखिए दाढ़ा कैसे निकलते हैं, दाढ़ा इस तरह से काट काट के निकलना चाहिए, टंकी का दाढ़ा इस तरह से निकलना चाहिए, चाहे पानी का टंकी हो या सेफ्टी टंकी है।
तो चलिए यही वाला जोड़ा क्या लेते हैं। इधर से सामने आना। इस तरह से मतलब आराम आराम से बिछा रही है पूरा बढ़िया से। देखिए पूरा बढ़िया से लगा देना है। जैसे हमको यहाँ गैपिंग है, यहाँ गैपिंग है, इसका बीच में होना चाहिए। देखिए इसको दाढ़ा हो गया, इस तरह से दाढ़ा स्टेप जैसा दाढ़ा रखना चाहिए। देखिए सीढ़ी जैसा दाढ़ा रखना चाहिए। और जब उधार से जोड़ाई करेंगे तो ऊपर तरफ मसला मार देंगे और मसला दे के बाद ईंट बैठा देंगे। और ऐसे हम लगाएंगे तो मेरा यहाँ पे मसला नहीं भर पाएंगे तो इसमें लीकेज आ जाएगा। जो पानी जितना यहाँ पे रहेगा तो यहाँ से लीकेज हो जाएगा, चल जाएगा बाहर तरफ, और बाहर पर चल जाएगा तो इसका गम इधर से निकल सकते हैं। और देखिए इसमें रहेगा तो इसी से सब कुछ रहेगा, तो पाइप लगा रहेगा तो गम सीधा ऊपर चल जाएगा। और इसको भी सॉल्व करके सॉल्व का धागा से मिला दीजिएगा। दोस्तों इस तरह से टांकी जोड़ा होगा, मतलब काटिंग 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 का दाढ़ा निकलेगा। ये ध्यान दीजिए सेफ्टी टैंक जहाँ कीजिएगा इस तरह से काटिंग काटिंग सेफ्टी टैंक कीजिए आप, पानी टैंक कीजिए स्टेप जैसे। तो दोस्तों देखिए आपको बताना चाहता है, लेकिन आप लोग ध्यान से देख लीजिए पूरा समझ में आ जाएगा। इस तरह से फिर से लंबाई वाला बिछा लीजिएगा। और देखिए दाढ़ा कैसे निकालना चाहिए, इस तरह से दाढ़ा निकालना चाहिए। और एक दाढ़ा ऐसे कि यहाँ पे हम जो 5 इंची पार्टीशन मारेंगे तो 5 इंची का दाढ़ा इस तरह से निकालना चाहिए। बीच में देखिए इधर मेरा क्लियर नहीं है, इसमें हम 5 इंची का भर दिए, मतलब 4 इंची का। ये दीवार पूरा 10 इंची का है तो 5 इंची का भर दिए आधा ईंट, और आधा हम खाली रख दिए। देखिए इधर भी आधा खाली रख दिए ताकि मेरा क्या होगा, इसमें ईंट जो है ऐसे डाल देंगे, ऐसे मसला मार के डाल देंगे और इसमें ऐसे मसला पैक कर देंगे, पूरा जाम कर देंगे। और इधर से मेरा गैपिंग तो है नहीं तो इसमें पूरा भरा ही हो जाएगा। इस तरह से रखना है। इसका धागा का लेवल में ले जाना चाहिए बढ़िया से। तो देखिए इसका ईंट जो है टेढ़ा टेढ़ी रहता है, मतलब ईंट सीधा नहीं रहता, लेकिन जोड़ाई आपको सीधा करना है बढ़िया से। देखिए कैसे लग रहा है, इसको सीधा लग रहा है, मतलब इस खास धागा नहीं है। और इधर आपको फेस में बैठाना है, ऐसा नहीं है इधर निकला है बाहर है, इस तरह से नहीं करना है। आराम आराम से मसाला लगा दिया पूरा। ईंट जैसे लगाइए आपको जान देखने के बाद लगानी है, जान जैसे मिलना नहीं चाहिए। इसको कैसे पैक करना है, देखिए इसको इस तरह से लगाइए। देखिए इधर तो मेरा 4-5 इंच लगा हुआ है, और इधर यहाँ से कर दीजिए। देखिए इस तरह से पैक हो गया।
और इधर जान मिल गया आपको, जान काट गया है इस तरह से, नोंच का जोड़ा होगा। और दोस्तों इसको घोलना बहुत ज़रूरी है, बढ़िया से घोलिएगा, मतलब पूरा इसको भर भर के घोलिएगा जो मसाला, गीला मसाला लगा के बाद। और इधर भी ऐसे ही जोड़िएगा, देखिए दाहा मतलब आधा लियार तक ले लेना, मतलब यहाँ तक मेरा जोड़ाई है तो हमको आधा फील्ड तक ले लेना है। और इसको स्टेप जैसा कटिंग 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 करके जोड़ेंगे, पूरा जितना हम हाइट उठाएंगे इसको कटिंग कटिंग करके उठाएंगे, और जैसे वो वाला जोड़ाई करेंगे तो ये वाला कटिंग करके मिलाएंगे सही से। देखिए इस तरह से घोलिएगा और पानी डाल दीजिएगा बढ़िया से, इस तरह से पानी डाल दीजिएगा। नहीं फ्लो ग्रीन करना है तो फ्लो बैक कीजिए।